Excuse me. Hi, my name is Rahul. So, आपका नेम क्या है? निशिता. क्या? निशिता. Oh, like आप बहुत ज़्यादा beautiful हो. So, friendship करोगे? बड़ा हरामी हो बेटा. मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते थे एंड यहाँ से शूट होता था, ठीक यहाँ से एंड ये द 42 दिख. हे गाइस, टू से माय ब्लॉग वीडियो फील बेटर एंड फील कूल द वीडियो इज स्टार्टिंग विद इंटरेस्टेड बाय मिस्टर राहुल. यस सो गाइस, आज का ब्लॉग है गाइस. एंड आज का ब्लॉग में क्या है आप लोगों को पता है? एक्चुअल में मुझे जाना था मैदान का आप लोगों को पता ही होगा, पार्क स्ट्रीट की तरफ. यहाँ से हमको मेट्रो पकड़ना है, मेट्रो से मैदान उतरना है, मैदान उतर के एक जन से मिलने जाना. बट जब मैं काम से जा रहा हूँ तो मेरा सोच ये कि क्यों ना मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लूँ इस प्लैनेट के पास हूँ. एंड जब इस प्लैनेट गया हो तो जाहिर सी बात है यार, एक ब्लॉग तो बनता ही है यार. तो फिर फ़ोन लिया, ट्राईपॉड निकाला, स्टार्ट हो गया. क्या बताऊँ. तो गाइस आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो, आप लोग के घर पर सब कुछ कैसा है, कैसा नहीं, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है गाइस. एंड गाइस अभी बज रहे 3:30 और मैं आप लोग वीडियो बने रहे. एंड अभी आप लोग देख सकते हो मैं मेट्रो स्टेशन के पास हूँ, मेट्रो के पास. एंड यहाँ से हम लोग को जाना है नीचे. तो गाइज ये देखो, ये वाला मेट्रो में हम लोग को बैठना है. ये वाला एकदम सही टाइम में आया, जैसे मैं आया हूँ वैसे एक मिनट के अंदर ही आया. एंड चलो हम लोग को इसके अंदर चलना चाहिए. मेट्रो स्टार्ट हो गया, देखो कितना आवाज़ आ रहा है यार पब्लिक का, समझ में नहीं आ रहा. ये अंदर का सीन देखो गाइज, अंदर बहुत हैवी है. ये लड़का देखो, सीधा जाना है. हाय, माय नेम इज राहुल. मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मुझे ये जानना था कि मैदान कहाँ है. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. मैडम इस साइड है, इस साइड है. बोल रहा था कि आपका नेम क्या है? निशिता. क्या? निशिता. ओह, लाइक आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो. सो बड़ा हरामी हो बेटा, करोगे? आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मिल सकता है क्या? तो क्या मिलेगा अगर? तो मैं आपसे कैसे बात करूँ, मुझे बताओ. ये तो एटलीस्ट गलत बात है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो फिर क्या मिलेगा ये बताओ. तो रिप्लाई मिलेगा ना? शायद मतलब. अरे यार आप करते हो आप देश में बहुत सारे गर्ल्स को देखता हूँ, लाइक वो लोग क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है. ओ आप मतलब ये कोई स्कूल मैं तभी आप रहते कहाँ हूँ? कोलकाता बहुत बड़ा है, मैं भी तो कोलकाता से हूँ बट कोलकाता बहुत बड़ा है. जॉब नहीं लेने वाली. पहले भी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या? इंस्टा पे कोई ठीक नहीं ना आपका? रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये साइड में आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ. इंस्टा पर कोई ठीक नहीं ना आपका? रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? तो अच्छा आप इंस्टाग्राम अकाउंट दे दो. लो आप मेरा नाम सर्च कर लो, मोहम्मद है. तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा वो जो बंदी थी, मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट थी, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थी बट इंस्टा अकाउंट थी, उसमें मैं आपसे बात करूंगी. एंड तो मुझे ना यार हंसी आ रही, मैं इतना डेंजर एकदम लाइव आप लोग के सामने मैं उसको टोका हूँ. एक्सक्यूज मी, बोली यस. तो मुझे समझ आ गया, जब अगर वो इग्नोर करके चली जाती तो मैं समझ जाता कि वो बात नहीं करने जा रही. बट
वो जब खुद से आई बात करने के लिए तो फिर मुझे समझ में आ गया कि जाहिर सी बात वो चाहती है फ्रेंडशिप करना। तो मुझे समझ में आ गया कि वो बंदी चाहती है दोस्ती करना। कसम से यार क्या बताऊँ, मतलब मेरा ना इतना ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि मैं कैसे उसको बोल दिया, कैसे उसके इंस्टाग्राम अकाउंट लाइव मांग लिया आप लोग के सामने। आप लोग सोचते होंगे, जाहिर सी बात है आप लोग भी सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है। तो गाइस बट कोई नहीं, चलो हम लोग को अपना ब्लॉगिंग करना है तो ये चीज़ को साइड कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो गाइस कि मैं मैदान के पास आ चुका हूँ, पूरा मैदान के पास ही हूँ एंड यहाँ से अभी हम लोग को उस पार होना है। तो गाइस हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए एंड मैं बार बार ये चीज सोच रहा हूँ यार कि मैं वो गर्ल से मैं कैसे बात कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एकदम लाइव एकदम कैमरा ऑन था पूरा। देखो आप लोग को कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं लगा होगा, कितना डर लग रहा था मुझे। ये देखो मेट्रो स्टेशन है सामने एंड आगे है इडियट पार्क। तो गाइस यहाँ पे आया तो एक चीज़ देखा कि यहाँ पे इलियट पार्क लाइव खुला हुआ है एंड मैंने देखी यार एक लड़की और देख के हंस रही है मुझे, एक गर्ल और देख के मुझे हंस रही है। क्या बकचोदी है यार, क्या हुआ? छोड़ा ना, हम लोग को वो सब नहीं, हम लोग को अपना वीडियो शूट करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इलियट पार्क ओपन है एंड हम लोग आज इलियट पार्क है। काफ़ी साल हो चुका कि मैं इलियट पार्क नहीं गया, तो आज इलियट पार्क के अंदर चलते हैं। बहुत गर्मी है यार, एक बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्या बताऊँ। बट ये तो 4 बजे बंद हो जाता है यार, सबसे बड़ा खराबी ये रहा। इडियट पार्क के अंदर आ चुका हूँ। अरे यार द 42 देख रहे हो आप लोग गाइस, कितना मस्त लग रहा पीछे से। गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा इडियट पार्क का पीछे का व्यू, ये रहा इडियट पार्क का पीछे का व्यू। हम लोग को यहाँ नहीं जाना है अभी, हम लोग को यहाँ से पूरा घूमते हुए जाना है। ये फ्लावर देखो गाइस उसका। यार एक बात है यार, जो भी बोलो, एक मज़ा ग्रुप के साथ वीडियो बनाने में अलग ही मज़ा और एक अकेले अलग मज़ा, लेकिन ग्रुप के साथ जो मज़ा है ना वो मज़ा अकेले नहीं है। आप लोग देखो मैं अकेले आया हूँ, अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट मज़ा है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ग्रुप का बात ही कुछ और है, हंसी मजाक एंटरटेन होता है ना गाइस। ये फ्लावर देखो यार कितना मस्त लग रहा, वहाँ देखो क्या हो रहा है। बहुत अच्छा पार्क है। एक टाइम था मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आओ इधर आओ। यहाँ पे हम लोग वीडियो शूट करते थे, लाइक यहाँ से वीडियो शूट करते थे, पीछे द 42 दिखता रहा। ये जो द 42 है ना अभी ब्लर है तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, मैं ब्लर करके रखा हूँ। तो यहाँ से हम लोग वीडियो बनाते थे, मेरी कुछ कुछ फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते थे एंड यहाँ से शूट होता था ठीक यहाँ से एंड ये द 42 दिखता रहा। वो टिकटॉक का जब जमाना था एंड लास्ट उसी टाइम आया था मैं ये पार्क, ओपन है तो बोला चल आज इसके अंदर चलता हूँ बस। तो गाइस एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग से प्यार करो तभी बता रहा हूँ, जैसे आज मैंने उस लड़की को बिना जाने बिना पहचाने उसको टोक दिया, उसको मतलब बोले एक्सक्यूज मी, जो भी बोले एक्स वाई जेड। आप लोग देखोगे एकदम लाइव देखो आप लोग, तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना यार। इसलिए देखो मैं कोई गलत सोच का हिसाब से उसको नहीं टोका था, मैं बस वो जा रही थी, मुझे लगा कि उसे टोकना चाहिए तो मैंने टोक दिया। बट आप लोग ऐसा कभी मत करना, ये गलत है, तो आप लोग गलत वे में मत लेना। मैं छेड़ा नहीं हूँ, मैं बस कोई गलत इंटेंशन लेकर के उनसे बात नहीं करूँ, बस मन किया कि उनसे मैं बात करूँ। देखो पीछे से आवाज़ आ रहा है कि भैया बंद कर दो, निकल जाओ, बताओ अब क्या करें। सोचा था 5 मिनट बैठूंगा यार अच्छे से, चैन से, वो भी नहीं मिला यार मौका। तो गाइज आप लोग देखो सबको यहाँ से निकल रहा है, लाइक आप लोग समझ ही सकते हो कि ये बंद हो रहा है, 4 बज गए। ये पार्क का ये सबसे बड़ा मतलब खराबी यार, इतना अच्छा पार्क है इसको 4 बजे क्यों बंद कर देता है, क्यों नहीं समझ में नहीं आता यार। ये चीज़ जिस दिन समझ में आ गई ना तो फिर हो गया, समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा पार्क को 4 बजे क्यों ये लोग बंद कर देते हैं। तो गाइज देख लो वहाँ से वो मतलब गार्ड जो है सीटी मार रहा है कि निकलो निकलो निकलो, तो अब हम लोग को भी यहाँ से निकलना चाहिए, जितना होना चाहिए यहाँ का वीडियो गया। एंड गाइस यहाँ का मैं काफ़ी जगह आप लोग को नहीं दिखाया, काफ़ी चीज़ मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, बट कोई नहीं, आप लोग टेंशन मत लेना गाइस, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा जरूर। इसलिए ये पार्क में तो एक और पार्ट इसका बनेगा, इवन इसलिए इसका एक और पार्ट बनेगा कि पूरा वीडियो बना कहाँ सही से यार, अगर सही से बनता तब ना मज़ा आता, पूरा वीडियो तो बना नहीं। सब गर्लफ्रेंड को लेके घूर रहे यार, हम लोग सिंगल कब तक रहे यार। तो गाइस इलियट पार्क से तो निकल चुका है, मतलब मैं इलियट पार्क जाने वाला नहीं था, बट मैं इलियट पार्क क्योंकि आप लोग सोचेंगे मैं तो कहीं और जाने वाला था, बट मैंने देखा इलियट पार्क आज ओपन है तो क्यों ना इलियट पार्क चलो। मुझे जाना है एक्चुअली VIP इंटरनेशनल होटल, तो मैं अभी उधर जाऊँगा, तो मैं आप लोग को वहाँ का तो सीन नहीं दिखाता, तो इलियट क्यों नहीं दिखाता, तो वो एक बड़ा होटल है एंड
वहाँ का लोग बोलेंगे तुम बिना पूछे क्यों वीडियो बना रहे हो, तो बात को समझ रहे हो। तो मुझे जाना था वीआईपी इंटरनेशनल होटल, लाइक क्यों जाना था, किस लिए जाना था, मैं बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे जॉब करता है, तो उसका कुछ मैटर है, तो वहीं पे मुझे जाना है। एंड मैं वहाँ से अभी जस्ट निकलता हूँ, फिर उसके बाद आप मिलता हूँ। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं वीआईपी इंटरनेशनल होटल से पीछे वीआईपी इंटरनेशनल होटल है, एंड मैं वहाँ से आ चुका हूँ। एंड वहाँ पे क्या काम था आप लोगों को पता है? काम कुछ ऐसा था वहाँ पे कि एक दोस्त मेरा वहाँ पे जॉब करता है, उसका लेकर का कुछ रिलेटेड बात था, तो मैंने वहाँ पे किया, हो गया जो होना था। तो फिर उसके बाद मैं फिर से आप लोग के पास आ गया। एंड गाइस अभी तो आप लोग देख सकते हो ठीक रोड के पास खड़ा हो, तो रोड के पास तो खड़ा रहा है कि नहीं ना हो सकता। हम लोग को इलियट पार्क भी बंद हो चुका, तो शायद हम लोग को मैदान जाना चाहिए, उस टाइम मैदान में भी बैठना चाहिए, वहाँ भी बैठना जरूरी है यार। तो गाइज लो आप लोग खुद देखो ये कौन सा गेम है, मुझे खुद इसका नाम नहीं पता। वो बंदा के हाथ में बॉल है, ये लोग लेता है पैर से उड़ा के मारता है, बॉल लेकर के दौड़ता है। अच्छा नाम था, नाम मतलब मुझे याद था लेकिन क्या था ये मैं भूल गया हूँ यार, बात ये है। तो गाइज चलते चलते ना गाइज मैं सच बता रहा हूँ मेरा हालत ख़राब हो गया, कुछ हो गई, जा करके साइड में बैठ जाओ, छोटा सा कोई भी जगह देखो साइड में जा करके बैठ जाओ, बट बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए ना यार। एकदम चल चल के मेरा ना हाल ख़राब हो गया यार। टाइम कितना हो रहा है? 4:30 बज रहा है यहाँ पे। तो गाइस अब मैं ये व्लॉग को एंड करता हूँ। लाइक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मालूम ही नहीं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, भाई का चैनल है। एंड गाइस चलो अब मैं ये व्लॉग को वाकई में एंड करता हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 5 बज रहा है, यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। आधा घंटा मैं अकेले बैठ करके गाना सुनाऊँ, थोड़ा मतलब अकेले में ना गाना सुनने का एयरपोर्ट लगा के मजा ही कुछ आ रहे, तो बस यही बोलूँगा। एंड गाइज अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर ये व्लॉग पसंद आई तो आप लोग को मालूम है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, भाई का चैनल है। तो गाइज चलो बाय।